तो आज शाम को ना मेरी छोटी बहन और मेरे जीजा जी आने लगे थे घर में, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बना के खिलाऊं। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज न्यूट्री से ही बहुत मजेदार सा स्नैक्स उनको बना के खिलाया जाए, और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा हेल्दी था। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ना एक कटोरी जो है वो न्यूट्री की ले ली थी, और यहाँ पे छोटी बड़ी किसी भी साइज की न्यूट्री जो है ना हम ले लेंगे, और इसे हम डाल देंगे गर्म पानी में। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसे उबलने देंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूंगी नमक, ताकि नमक जो हमारे पूरी न्यूट्री में ना मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे न्यूट्री जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुकी है, तो अभी मैं क्या करूंगी, इसे ठंडे पानी में निकालने के बाद सारा जो पानी है ना मैं न्यूट्री से निकाल दूंगी। अगर पानी रहेगा तो हमारा जो स्नैक्स है वो अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए सारा पानी जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ। तो सारा पानी जो है ना मैंने न्यूट्री का जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, और इन्हें मैंने ट्रांसफर कर लिया है एक बॉल में। इसमें डालूंगी मैं लगभग 2 टेबलस्पून के करीब, यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर का यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा ये चाट मसाला है मेरे पास, ये डाला मैंने। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर है, ये डाला मैंने। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। नमक हमें इसमें थोड़ा सा डालना है, क्योंकि जब हम इसे बनाएंगे सॉसेस में फिर भी इसमें नमक जाएगा। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसे भी हम डाल देंगे। और ये कस्तूरी मेथी है, इसे भी हम डाल के अच्छी तरह से इन सभी न्यूट्रिएंट्स को हम कोट कर लेंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यकीन मानिए ये जो स्नैक्स है ना इतना ज्यादा अच्छा बनता है, इसे बच्चे बड़े सभी ना बहुत मजे से खाते हैं। तो मैं सभी न्यूट्रिएंट्स को ना अच्छी तरह से कोट कर लूंगी और इसे छोड़ दूंगी 5 मिनट रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए डाल दिया था, तो ये भी जितने भी हमारे कोट करे हुए न्यूट्रिएंट्स है ना थोड़े थोड़े करके हम इसमें डाल देंगे, इकट्ठे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इन्हें हम अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करना है, ज्यादा तेज आंच पे इन्हें फ्राई नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा अच्छे जो है ना फ्राई लग पड़े हैं होने, तो ये हम फ्राई कर लेंगे एंड देन हम इन्हें निकाल लेंगे एक नैपकिन में, ताकि जो उनका एक्सेस ऑयल है वो चल निकल जाए। और इसी तरह जो बाकी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स है ना उनको भी मैं फ्राई करूंगी इसी तेल में। तो यहाँ पे मैंने अपने जो आधे न्यूट्री चंक्स है ना वो फ्राई करके निकाले हैं, और आधे मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में। और यहाँ पे कुछ सब्जियां मैंने ली हैं, सब्जियों में मैंने कैप्सिकम और एक बड़ा प्याज मैंने लिया है। यहाँ पे एक कैप्सिकम का यूज मैं कर रही हूँ, 8 से 10 कलियां मैंने लहसुन के लिए है, और आधा टुकड़ा मैंने लिया है जिंजर का। तो अभी मैं एक कढ़ाई में डाल दूंगी बटर। बटर को जब हम डालते हैं तो गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे, ताकि हमारा जो बटर है वो जले ना। अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो बटर हमारा जल जाएगा और खाने में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बटर हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे अपने काटे हुए लहसुन और अदरक। लहसुन को और अदरक को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा इसे रोस्ट ही करना है। ऐड करेंगे अपने काटे हुए प्याज, अपनी काटी हुई कैप्सिकम, और इनको भी ना हल्का सा रोस्ट ही करना है हमें, इन्हें पकाना नहीं है, क्योंकि अगर ये गल जाएंगी तो हमारी जो ये स्नैक्स में ना ये अच्छी नहीं लगेंगी, मगर कच्चापन जो है ना इन सब्जियों का बरकरार रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सब्जियां रोस्ट हो चुकी हैं, इसमें थोड़े से सॉसेज ऐड करूंगी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मैंने रेड चिली सॉस डाला है, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डाला है, 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने टमाटो केचप ऐड करा है, और यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस डाला है। सोया सॉस से इसका कलर जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा आता है, और फ्लेवर भी इसका अच्छा आता है। तो इन सॉसेस को हम मिक्स कर देंगे।
ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का पानी मैं पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है। अगर हम कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डालेंगे तो इसकी ग्रेवी जो है ना वो उसमें थिकनेस आएगी थोड़ी सी, और हमारे जो चंक्स है ना ये थोड़े ग्रेवी से ही अच्छे लगते हैं। तो अभी हम इसे थोड़ा पका लेंगे जब तक हमारी जो ग्रेवी है वो थिक ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी थिक लग पड़ी है होने। तो इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्राई किए हुए न्यूट्री चंक्स, और इन्हें हम अच्छी तरह से इन सॉसेस में और इन वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, सॉसेस भी में नमक था, तो थोड़ा सा डालिए नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है पिसा हुआ, थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है इसमें। कसूरी मेथी थी इसका फ्लेवर और बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो अभी हम इसे डाल लेंगे अपनी सर्विंग प्लेट में। तो आप देख सकते हैं हमारी जो चिली न्यूट्री है ना वो कितनी ज्यादा यमी लग रही है देखने में ही, और मेरी बहन और मेरी जीजू जी को ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी मुझे बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।